ப்ரூவ் லோகர் ப்ரூவ் ஈ கே ஏக்கு இமேஜ் அவங்க கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி தேக்கிங்கன்னா ஓப்பன் இமேஜ் இன் நியூ டேப் देखिए ये सिर्फ एक इमेज है, देखते हैं आप। दीपक जी को थोड़ा सोचने की टाइम देते हैं अभी। रफुल्ला जी आप बताइए। अभी तो ठीक है, मेरे को ये जैसे जानना था वो सर्विस जो होता है, जैसे एसईओ सर्विसेज हैं, डीएपीए, हाउ टू डीएपीए जैसे साइट हैं। उस दिन आपने बताया था ना वो मुक्ता वाला, बहुत अच्छा वो लगा। वो मतलब सर्विस टाइप का कैसे डेवलप किया जा सकता है, वर्डप्रेस से हो जाएगा? मतलब आपको एक एसईओ साइट डेवलप करना है उस टाइप का, डीएपी वाला ना? हाँ देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर आप अगर यहाँ पे लिखेंगे आप मॉज, उसके बाद एपीआई जैसे बटन एलिमेंटर यूज किए हैं, एक्स्ट्रा कोई अच्छा बटन लगाना है दिखने में सुंदर, तो मैक्स बटन, ये देखिए ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज कलर, यहाँ भी ऑरेंज, आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर और वाइट प्लस ऑरेंज वाइट, मतलब जितना भी सब कुछ ऑरेंज। यहाँ भी एक ये भी बना है, एक बॉक्स टाइप का बना, वो भी ऑरेंज। बैटरी को डॉट कॉम से एक बार कलर देख लेते हैं। हर्ष जी आप बताइए कलर कौन सा है? ग्रीन। दो कलर बताइए इसमें जो सबसे ग्रीन। हाँ ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट आपको हर ग्रीन वाइट ब्लॉग सेक्शन में चले जाए, अबाउट चले जाए तो ग्रीन वाइट ग्रीन, क्योंकि इनका मेन कलर है, प्लस इनके वीडियोज भी हम देखेंगे तो ग्रीन वाइट। पहला मिस्टेक ये है कि हम हमेशा रेगुलरली पोस्ट करते हैं, ये मिस्टेक है। पहले तो ये फ़ायदा रहता था 2013-14 में कि हम डेली पोस्ट करते थे, हमें फ़ायदा होता था डेली, और कुछ कुछ लोग तो दिन का दो पोस्ट करते थे। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आप दिन का दो पोस्ट नहीं कर सकते, तीन पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि क्वालिटी चेंज हो गई है। तो अनम्यूट करके बताया कि अगर आप गूगल हैं तो आपको कैसा कंटेंट चाहिए अपने पर्स के लिए, ऐसा कंटेंट जो सबसे बेस्ट हो या फिर ऐसा कंटेंट जिसका ब्लॉग पोस्ट हमेशा अपडेट होता रहे। अपडेटेड चाहिए, हर्ष को अपडेटेड चाहिए। अगर बुला जी आपको कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, रीडर्स को अट्रैक्ट और उसका जो रीडर्स का इंटेंट हो वो फुलफिल करना चाहिए। इंदिरा जी आप बताइए। सर जो मतलब यूजर को मतलब जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए, तो मतलब बेस्ट या अपडेटेड? बेस्ट। दीपक जी आप बताइए। मेरा कहने का मतलब ये था कि बेस्ट होना चाहिए लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको रहता है कि अपडेट करना चाहिए। और भाई आपने पहले ही बोल दिया कि अपडेट करना है, तो आप उसी रिजल्ट के साथ शिफ्ट किए। देखिए कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, उसके बाद हम सीखेंगे द ट्रेडमार्क टेक्निक, उसके बाद हम सीखेंगे द मेमोरी ग्लू। तो ये सब ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको ग्रेट कंटेंट लिखने में मदद करेंगी, आपकी वेबसाइट पे जो आएगा ना वो भूलेगा तो नहीं। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है माइंड में, अभी तो ठीक है सर, अगर कुछ आता है तो पूछते हैं। आपने नरेंद्र मोदी की रैली या फिर रोड शो जो देखा ही हो कभी ना कभी, तो ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो बीजेपी को जिता दें। तो देखिए जितना प्रमोशन करेंगे किसी भी चीज़ का, अगर नरेंद्र मोदी प्रमोशन ना करें तो क्या बीजेपी जीतेगी? अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल छोड़ दें कहीं रैली कुछ भी ना करें तो क्या बीजेपी जीतेगी? उसी प्रकार आपको भी अपने कंटेंट का रोड शो निकालना है, रोड शो, तभी आप गूगल के फर्स्ट पेज पर जीत पाएंगे। ठीक है, तो कंटेंट रोड शो में हमारा आएगा कि अपने कंटेंट को प्रमोट क्या करना है, स्ट्रेटजीज क्या है हमारे कंटेंट को प्रमोट करने की। कोई डाउट नहीं है? नहीं कोई डाउट नहीं। इंदिरा जी क्योंकि हमारे पास एक मिनट है, इंदिरा जी आपके पास एक बार लास्ट बार जाते हैं। नहीं है सर कोई डाउट नहीं। ठीक है। और प्रफुल्ला जी आपके पास? मेरे पास डाउट नहीं है मगर एक थोड़ा सा अच्छा न्यूज है। बताइए। एक आर्टिकल है मेरा, वो फर्स्ट पेज पे 7th पोजीशन पे रैंक कर रहा है। कांग्रेचुलेशन। कौन से कीवर्ड है ये? एसईओ पे ही है, बैकलिंक। क्या बात है, मतलब एक आर्टिकल बनाया था डू फॉलो बैकलिंक से रिलेटेड। तो देखिए इसको बस फिर आप सबको पार्टी मेरा। हाँ मैं एकदम ठीक है। तो आपका सबसे अच्छी बात है कि आपका रैंकिंग हो रहा है, आपकी वेबसाइट में अथॉरिटी धीरे धीरे आ रही है। अब आप छोड़िएगा मतलब पावर पेज बना के नहीं कहना, सब जब बताएंगे सबको इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको फायदा जरूर दिखेगा। तो अगर आपको एसईओ कोचिंग ज्वाइन करना है तो अभी भी टाइम है, अभी हमारा बेसिक लेक्चर हो रहा है और वीडियोस हमारे सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अपना फ़ोन नंबर हमें ईमेल कीजिए,
हमारे टीम मेंबर्स आपको कॉन्टेक्ट करेंगे और आपको सभी इन्फॉर्मेशन देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी तरफ से आपको कॉल जल्दी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और अभी हम बेसिक लेक्चर कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, अभी बहुत बेस्ट टाइम। बेसिक लेक्चर के नोट और रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं, आप देख के सीख सकते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे अभी मीडियम लेवल पर पढ़ेंगे। तो तुरंत अपना फ़ोन नंबर हमें ईमेल कीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कीजिए।